गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन एसबीबीएस ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट में। इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। टुडे आल्सो आई विल टीच यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। रिमेनिंग क्वेश्चन 6th पार्ट एफ पार्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड रूट 1 + sin a अपॉन 1 - मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर कंजुगेट 1 + sin a बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 1 + sin a बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 1 + sin a 1 - sin a इनटू 1 + sin a 1 + sin a इसका कंजुगेट 1 + sin a का मल्टीप्लाई जो कर दो वी गेट स्क्वायर रूट 1 + sin a का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर a - b a + b कर दो a स्क्वायर सर का स्क्वायर 1 - sin² जो कर दो स्क्वायर रूट 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin² इक्वल टू cos स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट देन वी गेट रूट हट जाएगा स्क्वायर से न्यूमरेटर में आ गया 1 + sin a अपॉन cos तो कर लो a स्क्वायर का cos आ गया 1 / cos से सेम ने डिवाइड कर दीजिए 1 / cos से प्लस sin a अपॉन cos से sin a अपॉन दिस वीडियो फॉर क्लास 10 है। सॉरी मिस्टेक हो गई थी, फर्स्ट ईयर पढ़ा था। ये किसके लिए है? 10 के लिए। तो 1 / cos a इक्वल टू sec a, sin 1 / cos a इक्वल टू tan a, दिस इज r h s एंड राइट हैंड साइड sec a + tan a। नेक्स्ट ईयर का डिपार्टमेंट है आपका प्रूव दैट sin a + cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a + a के होल स्क्वायर इक्वल टू sin 9² a + cos स्क्वायर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। sin a + cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a + a के होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बोथ में ले लिए a + b होल स्क्वायर तो a स्क्वायर sin स्क्वायर a + cos a स्क्वायर a + 2ab sin a cos b प्लस इसमें भी a + b होल स्क्वायर तो cos स्क्वायर a + sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। डियर स्टूडेंट अरेंज sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a ये बार हो जाता है प्लस cos a स्क्वायर a + sin a cos a का मल्टीप्लाई 1 होता है तो 2 × 1 = 2 प्लस sec स्क्वायर a प्लस cos sec a का मल्टीप्लाई कितना होता है 1 cos sec a दूसरे के रेसिप्रोकल है मल्टीप्लाई 1 हो गया है तो 2 और 2 = 4 दिस इज 1 आल्सो गया तो 1 + 4 प्लस cos स्क्वायर a यूजिंग आइडेंटिटी cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 + cos स्क्वायर a sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर a 4 + 1 = 5 प्लस 1 + cos स्क्वायर a प्लस 1 + tan स्क्वायर a ये cos स्क्वायर की वैल्यू है और ये sec स्क्वायर की तो 5 6 7 7 + cos स्क्वायर a + tan स्क्वायर a दिस इज राइट हैंड साइड।
डेढ़ साल बाद जिस वीडियो थैंक यू।